अमिकुम फीफा वर्ल्ड कप 2022 के अपडेट्स के साथ मैं हूँ फातिमा सलीम एंड ऑफ कोर्स दिस सेगमेंट इज ऑल अबाउट आपको ये बताने के लिए कि कौन सी टीम जा रही है फॉरवर्ड, कौन हो सकती है टूर्नामेंट से आउट, टेबल्स किस तरह लग रही हैं, पॉइंट्स टेबल किस तरह दिख रही है एंड जो कल मैचेस खेले गए और आज खेलने वाले हैं उन पर भी हम लोग तबसर लेंगे। हमारे साथ हैं पाकिस्तान फुटबॉल टीम के कैप्टन सदाम हुसैन जिन्हें हमें ज्वाइन कर लिया। हेलो सदाम, हाउ यू फीलिंग टुडे? मुझे आपका नहीं पता आप किस तरह फील करें बट मैं आपको सऊदीज का ज़रूर बता सकती हूँ किस तरह सेलिब्रेट करें। आई थिंक Everyone is talking about the headliner match जो कल खेला गया अर्जेंटीना और सऊदी के दरमियान और सऊदी ने वो मैच 2-1 से अपने नाम कर लिया एंड व्हाट अ मैच इट वाज, हिस्ट्री में जाएगी ये विन। आज तो छुट्टी मना रहे हैं मगर उन लोगों ने सेलिब्रेशंस किस तरह मनाई पहले वो देख लेते हैं फिर मैचेस में बात। वी कांट बिलीव इट, द सऊदीज कांट बिलीव इट, अर्जेंटीना कांट बिलीव इट एंड ऑफ कोर्स मेसी वी कांट बिलीव इट। एंड यू नो सदाम आपके पास ही जाएंगे, आई थिंक क्वेश्चन सिर्फ ये बनता है व्हाट डिड दे डू सो स्पेशल, ऐसा डिफरेंट ने क्या किया कि उन्हें ऐसी टीम जो यू नो 34-35 मैचेस जीतती भी आ रही है उसको जाके लिटरली स्टन कर दिया, व्हाट डिड दे डू सो डिफरेंट? काफ़ी एक्साइटेड था और ये पूरे फुटबॉल पूरे वर्ल्ड के लिए बिकॉज सरप्राइजिंग था और सऊदीया के लिए और एशियन फुटबॉल के लिए भी ये हिस्टोरिकल मेमोरेबल विन होगा, हमेशा याद रखा जाएगा ये विन। जो मैच में जो पहले जो है अर्जेंटीना काफ़ी अच्छी पोजीशन पे था, सऊदीया जब दूसरा जो गोल लगाए जो गोल कैंसिल हुआ वीआर की वजह से उसके बाद से सऊदी अरब की टीम को जो है ना थोड़ी सी कॉन्फिडेंस बिल्ड हुई। वैसे सऊदी अरब जो ओवरऑल अगर गेम पोजीशन देख ले उनकी कोशिश यही थी कि ड्रॉ तक चले जाए, हम यह उनके लिए विन है, लेकिन जैसे जैसे फर्स्ट हाफ जो है 1-0 से वो चला गया तो काफ़ी उनको नेक्स्ट टाइम थोड़ा और कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ तो सेकेंड हाफ में उन्होंने काफ़ी अच्छा कमबैक किया। तो उनके जो अल यासरी हैं उन्होंने भी अच्छा स्कोर किया, फर्स्ट उसमें अवेल किया, उसके बाद कॉन्फिडेंस काफ़ी बिल्ड हुआ सऊदीयन टीम का। और इसमें ओवरऑल अगर सऊदीया की पोजीशन देख लें तो एशियन जितने भी पहले टीमें थी जैसे कि ईरान ने भी लूज़ किया और अपना कतर ने भी खेला तो ये काफ़ी अच्छा बैटर खेले अर्जेंटीना के सामने। और आपको ये भी बताया कि अभी बहुत सारे लोग ऑफ कोर्स वुड वांट टू नो कि सऊदी के नेक्स्ट मैचेस कौन से हैं, सो उनके बहुत इंपॉर्टेंट मैचेस हैं अभी दो, उन्हें मेक्सिको से भी खेलना है, पोलैंड से भी खेलना है, तो आप पहला गेम जीत के भी टूर्नामेंट से आउट हो सकते हो और पहला गेम हार के भी आप टूर्नामेंट जीत सकते हो। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट फुटबॉल इज गोइंग टू बी लाइक, हिस्ट्री तो बन गई है और सऊदी फैंस ऑफ कोर्स ये सब कुछ बिलीव नहीं कर पा रहे हैं। एंड यू नो थोड़े से आपसे इंजरी का भी पूछ रहे थे, जो यासर अल शरानी है उनको काफ़ी सीरियस इंजरी हुई सदाम एंड आई होप ही इज़ फाइन बिकॉज आई नो कि जॉ फ्रैक्चर वगैरह हुआ है तो ही इज़ आउट फॉर श्योर। यस यस, वो काफ़ी मतलब के सैड मोमेंट था और गोलकीपर अवेस अल अवेसी वो काफ़ी मतलब के अलर्ट थे इस मोमेंट में और डेफिनेटली उनका निकलना भी बनता था। जितने भी गोलकीपर्स हैं वर्ल्ड के टॉप क्लास जब अगर वो इसी मोमेंट पे बाहर निकलते हैं प्लैंक्स के लिए तो दे शुड आल्सो मतलब अपने प्लेयर्स को भी डैमेज कर देते हैं, तो सिचुएशन ऐसा बना कि अलशेरी जो है ना उस मोमेंट में बिटवीन आ गए बॉल के तो उन्होंने उसके साथ क्लैश किया अपने खिलाड़ी के साथ, लेकिन ओवरऑल उन्होंने बॉल को पंच किया ताकि बॉल स्कोर तो नहीं हुआ लेकिन उसको काफ़ी मतलब के इंजरीज आई हैं, बहुत सीरियस इंजरीज। एंड हमने सुना है कि वो अब जर्मनी जाएंगे ट्रीटमेंट के लिए, दैट्स अ अपडेट दैट वी हैव। एंड ऑफ कोर्स आपको थोड़ा सा ये भी बताया कि ये फर्स्ट टाइम है दैट अर्जेंटीना इज लॉस्ट टू एन एशियन टीम, सो इट्स ह्यूज फॉर देम। एंड आज नेशनल हॉलीडे है भाई, छुट्टी बनाई जा रही है आज सऊदी में, सेलिब्रेट करें कल के मैच को। तो ये तो हुआ, तो कल का मैच जिसके बारे में सब बात करें, हमें किसी और बारे में कोई बात ही नहीं कर पा रहा, बट या तो और भी मैचेस हुए थे जो बाकी टीम के भी आपको अपडेट देंगे। मेक्सिको पोलैंड का मैच अगेन इट वेंट गोललेस, डेनमार्क और ट्यूनिजिया सेम रिजल्ट, नो गोल्स हमने वहाँ देखे, सो बोथ ऑफ दीज मैचेस वर गोललेस। उधर फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया को 4-1 से शिकस्त दी और फ्रांस के भी हम इंजरी की बात करेंगे। फीफा वर्ल्ड कप के पहले मैच में अर्जेंटीना को सऊदी अरब ने 1-2 से हरा कर अपसेट कर दिया। यहाँ सऊदी अरब के गोलकीपर मोहम्मद एल्वाइस ने बेहतरीन खेल का मुजाहिरा किया, सऊदी गोलकीपर ने 5 यकीनी गोल बचाकर अपनी टीम की फतह में अहम किरदार अदा किया। सऊदी अरब ने मुकाबला 2-1 के मार्जिन से जीत लिया। दूसरे मैच में डेनमार्क और ट्यूनिस मध्य मुकाबले आईं, दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने 1-1 मर्तबा गेंद को हरीफ के जाल में भी पहुंचाया, मगर रेफरी ने ऑफसाइड के सबब इन गोलों को मुस्तरद कर दिया
और ये मैच बगैर किसी फैसले के बराबर हो गया। दिन का तीसरा मैच दोहा में ग्रुप सी की टीमों पोलैंड और मेक्सिको के दरमियान खेला गया, जो बगैर किसी गोल के बराबर हो गया। तीसरे दिन का चौथा और आखिरी मैच फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान हुआ। फुटबॉल वर्ल्ड कप में दिफाई चैंपियन फ्रांस ने शानदार आगाज करते हुए ऑस्ट्रेलिया को 1-4 से हरा दिया। स्पीकिंग ऑफ फ्रांस, सदाम, लाइक करीम बेंजेमा का आउट होना फॉर द फ्रॉम द वर्ल्ड कप, आई मीन इसमें कैसे अफेक्ट करेंगे चांसेस फ्रांस के इन दिस वर्ल्ड कप? आई मीन इट्स अ ह्यूज ब्लो। यस डेफिनेटली फातिमा, ये बहुत ही मतलब के फुटबॉल फैंस के लिए भी और फ्रांस की टीम स्क्वाड के लिए काफ़ी शॉकिंग था, बिकॉज ड्यूरिंग ट्रेनिंग में जो है ना बेंजेमा आउट हुए स्क्वाड से इंजरी से, लेकिन ओवरऑल अगर आप इनके जो पिछले पूरे स्क्वाड के जो मेजर मतलब के इम्पोर्टेड प्लेयर्स थे, पॉल फोगबा जो लास्ट ईयर भी जो लास्ट टाइम भी दिपाई चैंपियन मेन स्क्वाड के फील्ड टीम में थे, वो भी जो है क्लब में इंजरीज हुए जो स्क्वाड का हिस्सा नहीं बने, और नेगोलियो खानते वो भी जो इंजरी की वजह से, और तीन मेजर इनके प्लेयर्स आउट होने के बावजूद दिपाई चैंपियन फ्रांस ने देखें कल बहुत मतलब के शो किया दिया चैंपियन। आप मेम्बाफे के वो देख लें, उनके एजिलिटी देख लें, उसका परफॉर्मेंस देख लें काफ़ी, और ग्रेजमा उन्होंने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, और उस्मान दिम्बाले ही वाज आउटस्टैंडिंग, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा। ओवरऑल देखें तीन मेजर प्लेयर इंजरी से बाहर होने के बावजूद जो है वर्ल्ड चैंपियन ने बता दिया कि वी आर द चैंपियन। आई मीन नॉट एवरी डे यू स्कोर फोर रन्स, मतलब फोर गोल्स ऑफ कोर्स, वो हमने देखा फ्रांस इज हेयर टू स्टे, उन्होंने तो अपना रेड सिग्नल दे दिया है, अलार्म बजा दिया। बट अब आज कौन से मैचेस खेले जाएंगे, वेल विल सी, ग्रुप ई में 2 मैचेस एंड ग्रुप एफ में जर्मनी, जापान, स्पेन, कोस्टारिका, मोरक्को, बेल्जियम, क्रोएशिया, कनाडा, ऑल दीस टीम्स विल बी हेड टू हेड। किसका किस किसका मैच है और कितने बजे, पहले देख लेते हैं इस रिपोर्ट में। चौथे रोज का पहला मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुपहर 3 मराकश और 2018 की रनर अप टीम क्रोशिया के दरमियान खेला जाएगा। ये ग्रुप एफ का मुकाबला है। दूसरा मैच 2014 में वर्ल्ड कप जीतने वाली जर्मनी और जापान के दरमियान शाम 6 होगा। इन टीमों का ताल्लुक ग्रुप ई से है। ग्रुप एफ का दूसरा मैच रात 9 साबिक चैंपियन स्पेन और कोस्टारिका के दरमियान होगा। चौथे रोज का चौथा और आखिरी मुकाबला ग्रुप ई की टीमों का है, जिसमें बेल्जियम और कनाडा मध्य मुकाबले होंगे। राइट, अनदर बिजी डे इन फीफा वर्ल्ड कप 2022। तो सलाम, सबसे पहले बात कर लेते हैं जर्मनी एंड जापान, विल दे गो हेड टू हेड, वेयर डू यू सी देम बोथ? यस, जापान काफ़ी मतलब के और जर्मनी काफ़ी मैच्योर टीम है, और उनके जो गोलकीपर हैं उसका काफ़ी एडवांटेज है, मुलर का इज वेरी ह्यूज, और काफ़ी उसकी जो एक्सपीरियंस है, और बेस्ट गोलकीपर भी डिक्लेयर हुए हैं लास्ट टाइम, और उनके स्ट्राइकर हैं एक्सपीरियंस मूलर है और सॉन है, काफ़ी अच्छे मतलब के जर्मनी जापान को मतलब टफ टाइम दे सकती है, लेकिन जापान का भी है एक एशियन कंट्री होने के बावजूद उसका वर्ल्ड कप में काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं रिजल्ट बहुत शॉकिंग रिजल्ट हो रहे हैं, एशियन टीम बहुत कम्पीट कर रहे हैं अर्जेंटीना जैसी टीमों को भी, तो जापान भी टफ टाइम देगी जर्मनी को, मे बी काफ़ी सरप्राइजिंग भी हो सकता है रिजल्ट। एंड दे ऑलवेज प्लेड गुड फुटबॉल जापानीज, और अच्छा टफ टाइम देते हैं टीम्स को, हमने थ्रू आउट टूर्नामेंट्स में भी देखा है। सो लेट्स सी कि आज आई थिंक उनको भी थोड़ा सा जोश आया होगा, दे कैन डू इट। एंड देन वी हैव स्पेन एंड कोस्टारिका, आई मीन दैट्स अ वेरी गुड कॉन्टेस्ट। आई मीन स्पेन हॉट फेवरेट्स एंड कोस्टारिका उनके अंदर फ्लेवर है, एंड यू नो वो भी कभी भी गेम बदल सकते हैं, दे आर अ गुड टीम। यस, स्पेन काफ़ी फतमा जो मैं देख रहे हैं हम लोग पिछले, स्पेन्स का फुटबॉल भी वैसे ओवरऑल लीग स्पेनिश लीग काफ़ी आई है, दुनिया के जितने टॉप के प्लेयर्स हैं कंट्रीज़ के वो स्पेनिश लीग में आते हैं, और वैसे भी ओवरऑल लास्ट चैम्पियन भी है स्पेन, उसके पास वर्ल्ड कप ट्रॉफी ऑलरेडी है अचीव कर लिया, लेकिन क्योंकि कोस्टारिका भी काफ़ी टफ टाइम देता है मोस्टली उनके जो है ना राउंड ऑफ 16 में वो क्लैश कर जाता है अर्जेंटीना स्पेन या जितने भी बड़े टीमों के साथ, इस विल बी ए वेरी मतलब क्रिशुअल मूवमेंट होगा इसमें भी स्पेन के लिए भी और कोस्टारिका के लिए। एंड देन मोरक्कंस फेस क्रोएशियंस, दैट इज गोइंग टू बी अनदर थ्रिलर मैच एज वेल। आई मीन इसमें आपको क्या लग रहा है, हु इज गोइंग टू बी ऑन टॉप, डेफिनेटली क्रोएशिया या नहीं, अभी कुछ नहीं कह सकते ना? नहीं, क्रोएशिया डेफिनेटली क्रोएशिया, क्योंकि एक मॉडरिच उनका जो कप्तान है वो काफ़ी मतलब लास्ट बलून डोर उनको भी मिला था, तो मैं समझता हूँ ये काफ़ी 2019 का उनको मिला था, तो मुश्किल कड़ी कर सकता है, और दूसरी तरफ जो है अकीमी है उनका डिफेंडर, वो काफ़ी अच्छा है, तो कंपिटिटिव फुटबॉल हो सकता है। ठीक है, एंड देन ऑफ कोर्स द लास्ट मैच फॉर टुडे विल बी बेल्जियम एंड कनाडा। इस आल्सो मतलब के काफ़ी बेल्जियम, बिकॉज अजर्ड जो है, अजर्ड का लास्ट अगर आप देख ले
जब वो चेल्सी में थे ही इज़ अवे मतलब के की प्लेयर था चेल्सी फुटबॉल क्लब का, तो उन्होंने जब रियल मैड्रिड में गए तो काफ़ी डिफ़िकल्टी हो रहा है उनको, क्योंकि उस तरह मौका नहीं मिल रहा है, क्योंकि बेंजीमा गोइंग वेरी गुड और अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो कोच ने थोड़ा सा जो है ना उनको बेंच में भी रखा है, लेकिन वो नेशनल टीम में क्योंकि कप्तान है अजर्ड, तो यू विल बी डू योर बेस्ट। और बेल्जियम लास्ट सेमीफाइनल भी जो लास्ट वर्ल्ड कप का जो है लूज कर गए थे, तो ये काफ़ी अच्छा मैच होगा आई होप। ठीक है, तो ये तो फीफा वर्ल्ड कप के हमने अपडेट्स ऑफ कोर्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टार जिनके अब फॉलोअर्स भी पता नहीं 500 मिलियन हो गए हैं ऑन सोशल मीडिया। हमने रोनाल्डो की बात कर रही हूँ सदाम, आई मीन ऑल द न्यूज़ अबाउट हिम म्यूचुअल कंसेंट से मैनचेस्टर यूनाइटेड का अब हिस्सा नहीं है, सो व्हाट इज़ अ गॉसिप? अभी हम सुन रहे हैं कि शायद न्यूकासल के साथ वो इंक्लाइन कर रहे हैं, या जो सऊदी अरेबियन क्लब है अल नसर आई थिंक, तो क्या आपको क्या लग रहा है कि वेयर विल ही गो, कहाँ किस तरफ वो ज़्यादा इंक्लाइन कर रहे हैं? यस ये काफ़ी शॉकिंग था फुटबॉल कम्युनिटी के लिए, क्योंकि जहाँ रोनाल्डो प्रिपेयर कर रहे थे वर्ल्ड कप के लिए, उसकी फोकस थी तैयारी करना, और क्लब के बिटवीन उनका जो है ना कुछ मामला चले जो जिसकी वजह क्लब ने उनको टर्मिनेशन लेटर दे दिया, तो ये बहुत शॉकिंग था रोनाल्डो के लिए भी और पूरे फुटबॉल के लिए। इतने बड़े स्टार्स को भी इस तरह की चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं प्रोफेशनल लाइफ में फुटबॉल में। और अभी सुनने में आया उनका जो पुर्तगाल का अपना क्लब है, जो उसका जो स्टार्टिंग क्लब है जहाँ से उन्होंने अपने डेब्यू किया, मैनचेस्टर ने उनको वहाँ से साइन किया पोर्टो, उसको भी और ज्वाइन करने के चांसेस हैं न्यूकास्टल, और कोई और चाइना या दूसरे सऊदीयन कंट्रीज़ में भी वो जा सकते हैं, लेकिन ओवरऑल अभी उनका फोकस जो है वर्ल्ड कप के ऊपर है, क्योंकि वो चाहते हैं उसका लास्ट वर्ल्ड कप हो सकता है रोनाल्डो का, और जिस तरह जो लास्ट अभी जो मेसी का रिजल्ट इस तरह आया तो it will be more focused के हमने वही वर्ल्ड कप जीतना है, तो ये बकेट के अपने बकेट में इस ट्रॉफी को लाना है, तो ये मोर प्रिपेयर फॉर द गेम्स। बट व्हाट डू यू फील लाइक 37 इयर्स के हो गए हैं रोनाल्डो, यू नो इज दिस द एंड ऑफ रोनाल्डो, फाइनली क्या हम लोग वो देखेंगे इतना एरा इतना रूल किया ने फुटबॉल वर्ल्ड को, या अभी देयर इज मोर फुटबॉल लेफ्ट इन हिम? यस काफ़ी फुटबॉल अभी लेफ्ट है, लेकिन डिपेंड करता है कि अगर उन्होंने वर्ल्ड कप जीत लिया, अगर फाइनल में हार गए तो आई थिंक मे बी विल बी रिटायर्ड, लेकिन जिस तरह उन्होंने कहा ये उनका लास्ट वर्ल्ड कप है, मजीद वो कितना खेलते हैं, कहते हैं कि अगर प्रोफेशनल प्लेयर अगर उसकी जो लाइफ स्टाइल है अपने फिटनेस और अपनी न्यूट्रिशन का इतना केयर करते हैं, कुछ प्लेयर्स कहते हैं उनके जो क्लब में टीममेट्स हैं कहते हैं हमने कभी रोनाल्डो के घर नहीं जाना है, बिकॉज ये जो है ना बिल्कुल डिफरेंट खाने जो है सैलेड वगैरह के लाता है, तो हमने उससे अवे रहना है। तो इस तरह मैं भी अपने एज को लेके अपनी चीज़ों को लेके काफ़ी लॉन्ग टर्म भी चल सकते हैं। ठीक है था सदाम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस थ्रू आउट, आप रहेंगे हमारे साथ और वर्ल्ड कप के हम आपके सब एनालिसिस एक्सपर्टीज को हम यूज़ करेंगे थ्रू आउट, सो वील सी यू टुमारो, मगर अभी फिलहाल इतना ही वक्त स्पोर्ट्स फ्लो से, अल्लाह हाफिज़।